हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों में 211 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बीजेपी नेताओं ने जहां सीएम के इस कदम का स्वागत किया तो वहीं बीजेपी विधायक प्रेमलता ने असंतोष जताया। अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राज्य की बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए अपनी मोर्चाबंदी में जुट गई है। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य रखा है। पार्टी इसके लिए जहां संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए लगातार कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, तो वहीं विकास के मुद्दे पर वो विपक्ष को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रही है। दरअसल विपक्ष सरकार पर विकास की उपेक्षा करने का आरोप लगाता रहा है। पूर्व सीएम हुड्डा तो कई बार आंकड़ों के जरिए विकास के मुद्दे पर अपनी सरकार को खट्टर सरकार से बेहतर बता रही हैं। विपक्ष के इन आरोपों का चुनावी मौसम में जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1722 जिलों में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री खट्टर पीएम मोदी की राह पर चलते नजर आए। सीएम खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेशवासियों को कई सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ से लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 22 जिलों में 4106 करोड़ रुपए की लागत से 211 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके लिए सभी जिलों के लघु सचिवालय में विशेष प्रोग्राम का आयोजन किया गया। पार्टी ने सीएम के इस कदम का स्वागत किया। पार्टी सांसदों के मुताबिक इस तरह के कार्यक्रम से सरकारी खर्चों में बचत होगी। तो पूरे पिछले 4.5 साल से केंद्र और प्रांत की योजनाएं निरंतर चालू थी, जिसकी वजह से हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में भी हजारों करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। और आज तो क्योंकि लोकसभा की आचार संहिता लगने वाली है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बगैर पैसा खर्च किए ना समय को बर्बादी होनी दी, ये एक ऐसी नई पहल शुरू करी है जिसका हमें सबको फायदा मिलेगा। क्योंकि क्षेत्र के अंदर जाके उस योजना के ऊपर जाके जब लोग पब्लिक मीटिंग करते थे, हजारों लोगों को इकट्ठा किया जाता था, सरकार का पैसा बर्बाद होता था, समय बर्बाद होता था। एक नई पहल शुरू की है कि चंडीगढ़ में बैठ के 22 के 22 जिलों में सभी के नींव पत्थर और उद्घाटन ये करके का अच्छी, बहुत अच्छी सोच, अच्छी पहल करी है। हम इस बात का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि सही समय सीमा पर ये सारी योजनाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन एमपी साहब, अगर पब्लिक के बीच नेता नहीं जाएंगे तो वोट क्या मिल पाएंगे? इस तरह से उद्घाटन करेंगे हाँ मैं कहता हूँ ये समय परिवर्तित है। लोगों में जाके केवल लोगों को इकट्ठा करके भाषणबाजी से बात नहीं बनेगी। तो वही पार्टी इस कार्यक्रम को सबका साथ सबका विकास के नारे से जोड़ रही है और बिना भेद के सभी इलाकों के विकास का दावा कर रही है। पार्टी इसके जरिए कैथल जिले का उदाहरण दे रही है, जहां से बीजेपी का केवल एकमात्र विधायक होने के बावजूद कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। ये बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को चरितार्थ कर दिया कि सबका साथ सबका विकास। और अगर हम अपने कैथल जिले की बात करें तो कैथल जिले में भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही विधायक है और तीन अन्य जो हलके हैं उनमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक उसी प्रकार से विकास किया जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जहां पर विधायक है। और आज आप देखते हो कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 219 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जो कैथल जिले के लिए बहुत बड़े एक गर्व की बात है कि उनका उसमें शिलान्यास भी है और उद्घाटन भी है। पार्टी के सभी नेता सीएम खट्टर के इस कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो वहीं उचाना से बीजेपी विधायक प्रेमलता सीएम से खफा नजर आई। प्रेमलता ने जीन मेडिकल कॉलेज की बाउंड्री के धीरे निर्माण कार्य पर अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। नहीं, वही तो मैंने मुख्यमंत्री के आगे अपनी रखी। मैं कहा बाकी तो आपका बहुत अच्छा है, दोबारा से जीन विकास की गति पर चल पड़ा है, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज की जो हमारी डिमांड थी वो बहुत पुरानी थी और उसके लिए मुख्यमंत्री और चौधरी वीरेंद्र सिंह और केंद्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा जी, इन तीनों की मीटिंग हुई थी और उसमें तय हुआ था कि जींद में मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल बनना चाहिए। कब तक बन जाएगा इसका? उन्होंने 2 साल का वो दिया है हमारे को टारगेट।
क्योंकि मैंने ये भी पूछा ना कैप्टन मन्यू से, मैं कहा आपने जो अनाउंसमेंट करी है 550 करोड़ की, हमारे को टारगेट बताओ कि ये कब तक पूरा हो जाएगा, तो उन्होंने ये कहा कि 24 महीने में। विधायक प्रेमलता ने अपने सुपुत्र आईएएस विजेंद्र सिंह की राजनीति में प्रवेश पर कहा अगर वो चाहेंगे तो राजनीति में आ जाएंगे और सोनीपत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। प्रेमलता के मुताबिक सोनीपत लोकसभा सीट उनके लिए ज्यादा अच्छी नहीं आती क्योंकि जींद जिले की 3 विधानसभा भी इसी सीट पर आती हैं और उन्होंने अपने ही अंदाज में तर्क दिया कि जींद और हिसार लोकसभा सीटों पर 55 लाख के करीब जाट मतदाता हैं जो उनको काफी वोट दे देंगे। साथ में पार्टी हाईकमान भी पार्टी प्रत्याशी का चुनाव कराता है। तो तीन जो सेगमेंट है जुलाना, सफीदों और जींद, ये सफीदों उसमें आते हैं अपने सोनीपत कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोकसभा में, इसलिए थोड़ा सा इस पे एक वो प्लस पॉइंट है, बाकी तो और कुछ नहीं। जाट 5 लाख इधर भी है, जाट 5 लाख उधर भी है लेकिन सोनीपत का जो जाट है वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, क्योंकि दिल्ली के नजदीक रहे हैं और जैसे जैसे आप तैयारी कर दी ना सोनीपत से उतारने की मैदान में, हमारे मैंने बताया ना जहाँ पार्टी डिसाइड करेगी। एक साथ कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करके बीजेपी ने अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की, उसे इसका कितना फायदा मिलता है इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी इसके जरिए कहां तक लोगों को जोड़ पाती है। टोटल न्यूज के लिए जींद से रमेश कुमार, कैथल से नवीन मल्होत्रा और भिवानी से इंद्रवेश दोहन की रिपोर्ट।